कुछ मूवीज़ होती है जो लाइफ को प्रेजेंट करती है, उसमें कोई एक्शन, कोई ड्रामा, कोई ट्विस्ट टर्न्स नहीं होती, उसमें बस होती है सच्चाई, हर इंसान की, हर फैमिली के लाइफ के वो सच्चाई जिससे वो हर दिन सामना करता है और अपने लाइफ में ये गाते हुए आगे बढ़ता है कि जिंदगी कैसी ये पहेली, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ऐसी एक मूवी है जुगैटो, जो कल ही रिलीज़ हुई है। जुगैटो नाम से ही पता चलता है कि ये स्विगी और जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी ऐप या डिलीवरी करने वाले लोगों से जुड़ी कहानी होगी, और बिल्कुल ऐसा है ही। ये मूवी हमें डिलीवरी एजेंट्स की पूरी कहानी, उसके लाइफ में चल रही परिस्थिति, प्रॉब्लम्स, फाइट्स सबको दिखाती है, और स्क्रीन पे इसे बहुत खूबसूरती से पेश किया है हमारे कपिल शर्मा ने। जी हाँ, सही सुना आपने, कपिल शर्मा। ये नाम सुनते ही चेहरे पे हंसी आ जाती है। सोचिए, जिस बंदे का पूरा दिन का शेड्यूल ही सिर्फ हंसना और हंसाना हो, उसके लिए इस टाइप की रोल कितनी मुश्किल होगी। बट सैल्यूट है कपिल भाई को, उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ हमें हर उस डिलीवरी पर्सन के साथ चल रही पूरे दिन के प्रॉब्लम्स को दिखाया है, सच में आंखें नम कर गई वो। और इसमें कपिल भाई का साथ दिया है सहाना गोस्वामी ने। इस मूवी में सब ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि इस मूवी को बांधे रखती है। स्टोरी की बात करें तो इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक जॉब छूट जाने की वजह से एक बंदा अपनी फैमिली के लिए एक फूड डिलीवरी एजेंट का काम करता है, और उस काम में उसे किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों से सामना होता है, बट फिर भी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए वो सब बड़े हंसते हुए करता रहता है। लगभग 1 घंटे 45 मिनट की इस मूवी में एक भी गाने नहीं है, जो कि इस मूवी की स्टोरी को एकदम बांधे रखती है और उसका हर एक इमोशंस को हमें फील करवाती है। इस टाइप की मूवीज़ को कंटेम्प्रेरी मूवी कहा जाता है, और इन्हें पहले फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा जाता है, और ये मूवी ऑलरेडी 2022 में ही टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू कर चुकी है। ये मूवी देखने के बाद डिलीवरी एजेंट्स को लेके हमारा नज़रिया ही बदल जाता है। हम इनसे इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं, जो कि आज तक मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारे देश में 10 में से 7 ऐसे लोग हैं जो इन्हें सिर्फ एक टाइम पास जॉब करने वाले मानते हैं, और इन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो इनका भी हक है, ठीक दूसरे पोजीशंस पे जॉब करने वालों की तरह। अब रेटिंग की बात करें तो क्या ही रेट करूं मैं ऐसी मूवी को, क्योंकि इस टाइप की मूवी को जज करना अपने आप में एक नज़रिए को दर्शाएगी। सो मैं बस इतना कहूँगा कि कुछ मूवीज़ होती है जो हम फन के लिए देखते हैं, कुछ एक्शंस के लिए, कुछ रोमांस के लिए, बट ये मूवी हर 3 में से 2 इंसान और उसके परिवार में चल रही परिस्थिति को दिखाती है, जिसका हम सब सामना करते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि जाएं और ये मूवी ज़रूर देखें, क्योंकि ये डिज़र्व करती है ऑडियंस। बाकी इस हफ्ते 4 मूवी रिलीज़ हुई, जिसमें से 2 ने तो सच में रुला दिया, 1 ने बहुत हंसाया और 1 ने सर में दर्द दे डाला। इन सब का रिव्यू हमारे इसी चैनल पे है, जाए और ज़रूर चेक करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।